मजा ही आ गया। ये लो जी, टिक्कर ताल की जितनी भी एडवेंचरस एक्टिविटीज़ थी हम लोगों ने पूरी कर दी हैं, और एक दिन क्या जो है ना ये प्रीमियम विजिट है। जब भी आप एक दिन के लिए फैमिली पे छुट्टी पे हो, कोई लॉन्ग वीकेंड हो या वैसे हो, टिक्कर ताल आके आप इस एडवेंचरस एक्टिविटी का मज़ा लें। 5,000 रुपये में आपकी बल्ले बल्ले करा देंगे ये लोग। और अगर आप पिकनिक बनाने के शौकीन हैं, जो बना खा सकते हैं, थोड़ा एफर्ट कर सकते हैं, सभी के लिए नहीं है एक्टिविटी, बाकी लोग आइए तो टूटी पड़ी है जी, मतलब यहाँ तक पहुँचते पहुँचते सांस चढ़ लेते हैं। जो मजा है ना वो कहीं भी नहीं है। हाँ, आप यहाँ अपना अगर खुद का गैस चूल्हा ला सकते हो, बना के खा सकते हो, भाई वाह। अगर किसी को चूल्हे पे बनाने आते हैं तो यहाँ चूल्हा डाल के और अपन खाना भी बना सकते हैं, रोटी बना सकते हैं, सब्जी भी बना सकते हैं। पिकनिक की पिकनिक, एडवेंचर का एडवेंचर, ए डे ऑफ ब्यूटीफुल। और नमन सर, मेरे ख्याल से आप इतना एंजॉय तो किसी ने नहीं लिया। हाँ, आपने भी नहीं लिया। मेरे बताओ, अपने आने के बच्चों को आप क्या मैसेज देना चाहोगे टिक्कर ताल के लिए? मैं अपने आने के बच्चों को ये मैसेज देना चाहूंगा, गेम से बाहर निकलो। हाँ, गेट आउट ऑफ द मोबाइल। और इंडोर से तो बिल्कुल ही बाहर निकल जाओ। हाँ, इधर मुकर के बताओ थोड़ा। इंडोर में कुछ नहीं, जरा दुनिया के नजारे लो। कैसे ले सर दुनिया के नजारे टिक्कर ताल आके? हाँ, ठीक है। तो आज क्या क्या एक्टिविटी करी आपने? आज हमने जेट स्की चलाई। ओके। उसके बाद हमने चार पहिए वाली बाइक चलाई, डर्ट बाइक। हाँ। और उसके बाद हमने पैरा मोटर चलाया, पैरा मोटर ग्लाइडिंग। हाँ। वाह जी वाह। चलो तो अब चलते हैं। आपा कहाँ? फंटा पीने। चलो तो ठीक है, अब थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, एक पसीना। हाँ। आ गया, गर्मी ज्यादा हो गई है। चलो। और कुछ ड्रिंक लेते हैं। ये नमन एक्सप्लोर कर लिया आपा ने, एक झरना मिल गया है। ब्यूटीफुल है। हाँ, बहुत ही प्यारा झरना, अलग ही वाइब्स आ रही हैं जी। पानी और पहाड़ी दो चीज़, और साथ में ग्रीनरी, ये तीन चीज़ मिल जाए तो इतनी पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर भर देती हैं, ऐसा लग रहा है जैसे नए पैदा हुए हैं हम लोग। पूछो ही मत, हार्ट बीट बढ़ गई है और सांस में एक स्थिरता आ गई है, शांति आ गई है, क्या कहना। मुंह पे पानी डालो, बहुत ठंडा है, मजा। बहुत ठंडा है, लो एक बार आप पकड़ो, मैं डाल के देखता हूँ। पानी डाल के तो बहुत ठंडा है ना। नमन, पानी डाल के देगा अपने मुंह पे, बहुत ही फ्रेश फील होगा तुझे। ला मुझे दे दे फोन। ओहो, यहाँ नहाने का भी सिस्टम बन सकता है, मजा आ जाएगा। हाँ हाँ, वाह जी वाह, मजा आया, और भी मजा आ गया इस झरना देख के ना। अभी आप कहाँ चल रहे? लो जी, टिक्कर ताल का हमारा सफर पूरा हुआ, तो चलेंगे कहाँ पे? अब हम निकलेंगे मोरनी हिल्स। कितना प्यारा नाम है, ऐसा लग रहा है जैसे वहाँ मोरनियाँ नाचती हुई मिलेंगी। हाँ, और हम उनके बीच में होंगे। क्या मोर, ये दिल मांगे मोर, और मोर चलेंगे मोरनी हिल्स। लेक व्यू रेस्टोरेंट और रेस्टोरेंट रूम एंड बोटिंग बार। हाँ, और ये यहाँ का टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स है जहाँ पे नॉर्मली रूम्स मिल जाते हैं, बट सैटरडे संडे को ये लोग फुल रहते हैं। 2,800 रुपीज़ टैरिफ है इसका पर डे का, और एडवांस बुक कर ले तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वीकेंड पे तो हमेशा बुक ही मिलते हैं। नहीं मिले आज, हमने पूछा था तो रूम खाली नहीं थे, फुल बुक है ये। गाड़ी में बैठते ही हमें स्मेल आई एलपीजी की, ऐसा लग रहा है जैसे वो सिलेंडर था ना हमारा, वो लीक है, वो पूरी तरह से बंद नहीं हुआ, और मैडम गई है उसको टाइट करके बंद करने। और हो गया कि खुला था, कोई ना, थोड़ी बहुत आ जाए, अगर अड़का फुड़का लीक होगा आ जाओ। तो दोस्तों, टिक्कर ताल का ये हमारा सफ़र आज पूरा होता है। इसका पूरा सर्वे किया हम लोगों ने, एक एक आइटम को देखा, एक एक आइटम को इंजॉय लिया, आपको जानकारी दी कैसे मिलता है, कहाँ मिलता है, किस दाम में मिलता है, किस रेट में मिलता है,
और अब आप इस ब्लॉग को करते हैं यही ख़त्म। उम्मीद करेंगे आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, ये सारी एक्सप्लोरेशन आपको पसंद आई होगी, खास तौर पे जो पैराग्लाइडिंग थी उसको देख के तो मज़ा ही आ गया। पैरा मोटो ग्लाइडिंग ओके, मोटो भी जोड़ दिया हमने इसमें। तो सभी भाइयों को रामफड़ भाई की राम राम, राम।